हेलो इसमें वंस अगेन वेलकम टू बैक न्यू यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। और आपने अगर हमारे चैनल को विजिट किया है, जो थंबनेल देखा है, यानी कि अगर आपने देखा होगा गॉस थ्योरम, तो 100% गॉस थ्योरम में बताया जाएगा, कोई भौकाल वाला काम नहीं होगा। गॉस थ्योरम वो भी डीपली कॉन्सेप्ट के साथ। तो बच्चों आज मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है, यानी कि 22 लेक्चर हो जाएगा आज के बाद। और अभी तक मैंने करंटली क्या कर लिया था, 21 लेक्चर डिलीवर कर लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं बच्चों आपसे कि 21वां लेक्चर आप जरूर देखिए, क्योंकि 21वां जो लेक्चर है वो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से है और गॉस थ्योरम कुछ इसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ क्लोज सर्फेस, यानी कि आपके पास एक सर्फेस है उसे कितना फील्ड लाइन परपेंडिकुलर से पास हो रही होती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और बच्चों क्या करिएगा, इस वीडियो को पूरा लास्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि ये टॉपिक देखने के बाद आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद मैं कुछ एक दो क्वेश्चन भी करवाऊंगा, वो क्वेश्चन हल्के नहीं रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द एंड लर्न द होल कॉन्सेप्ट, बिकॉज आपको इस चैनल पर क्या मिलता है, फिजिक्स फील्ड के साथ मिलता है। तो अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको फिजिक्स को फील करना है, फिजिक्स से किसको मोहब्बत करना है, तो क्या करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स के जो कंटेंट इश्क मोहब्बत वाले ही मिलते हैं। ओके, सो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द एंड लर्न द होल कॉन्सेप्ट एंड स्टार्ट द गॉस थ्योरम। ओके, इसमें गॉस थ्योरम क्या होता है, दिमाग में क्वेश्चन आता है गॉस थ्योरम। मैं आपसे बात करूं पहले कि अगर आपके पास मैंने एक सरफेस बना दिया इस तरीके से, एक सरफेस इमेज कर लिया, यहां पे मैंने सरफेस इमेज कर लिया, यहां पे एरिया वेक्टर सब दिया रहता है, एरिया दिया सपोज दैट, और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। तो ये तो जब दिया रहता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि सर फाई इक्वल टू हो जाता है ई ए कॉस थीटा, फाई इक्वल टू हो जाता है पी ए कॉस थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ना ये भी फार्मूला बनाया था मैंने, इसलिए बताया था ना कि आप क्या कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को काउंट कर लो। लेकिन क्या हमेशा पॉसिबल हो, तो आप दिमाग लगाओ कि क्या अगर इसके अंदर मैं ढेर सारे चार्ज रख दूं, जो यहां पर मैंने गोला बनाया, यहां पे जो स्फीयर बनाया, यहां पे जो स्फीयर बनाया, मैंने कहा एक चार्ज यहां पे Q1, एक चार्ज यहां पे Q2, एक चार्ज यहां पे Q3, एक चार्ज यहां पे Q4, यहां पे Q5, ये सब पौधे प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस है। अब आपको पता है कि प्लस से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती है। अब कुछ फील्ड लाइन इससे बाहर जा रही होंगी, कुछ इससे फील्ड लाइन कहां आ रही होंगी, अंदर। तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि ये बताओ इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक है, तो क्या आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को गिन पाओगे, सोच के बताओ अपने दिमाग से, अपने दिल से पूछो कि क्या यहां से कुछ निकल रही है, यहां से कुछ निकल रही है, यहां से निकल रही है, कुछ इसमें अंदर जा रही होंगी, इसमें अंदर जा रही होंगी, तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को गिन पाओगे, क्या अब आप यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पाओगे, योर आंसर इज नो। आप नहीं बता सकते बच्चों, क्योंकि आप काउंट नहीं कर पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप काउंट कर ले जाते हैं ना, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता। तो कुछ इसी से रिलेटेड गॉस बाबा ने क्या कर दिया, एक थ्योरम बना दिया। गॉस बाबा ने क्या किया, एक थ्योरम बनाया। इन्होंने अपनी बात में कैसे कहा, उसको मैं ओरली समझा रहा हूं, पहले बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। गॉस बाबा ने बताया कि अगर आपके पास ऐसे बहुत ढेर सारे चार्ज हैं किसी सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस है भैया, ओपन सरफेस नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूं, ओपन सरफेस से नहीं होता, क्लोज सरफेस, किससे, क्लोज सरफेस से। तो गॉस बाबा ने कहा कि इसके पास क्या है, जितने भी चार्ज हैं सबको उसको अंदर रखा जाए, अब इससे क्या होगा, कुछ फ्लक्स निकलेगा, कुछ फील्ड बाहर निकलेगी, कुछ फील्ड अंदर जाएंगे। तो अगर मैं नेट की बात करूं, नेट फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज का, मतलब जितना भी चार्ज रहा होगा इसके अंदर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 Q प्लस 5, इससे नहीं मतलब है, जितने भी चार्ज रहे होंगे सबको ऐड कर लो साइन के साथ, और उनका 1/f(n)0 टाइम होता है। समझ में आई बात। तो उन्होंने क्या बताया कि जो नेट फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज का, यानी कि समेशन क्यू का कितना टाइम, 1/f(n)0। यही गॉस बाबा ने बता दिया। तो इसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट करके राइट किया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू एनी क्लोज सरफेस, यानी कि इसमें कितने भी चार्ज क्या ना हो, क्यों ना हो, इसमें कितने भी चार्ज क्यों ना हो, अगर मैं इसे कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करूंगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू एनी क्लोज सरफेस
इज वन अपॉन एफ वाले नॉट टाइम्स, जहां पे टोटल फ्लक्स है ये कितना गुना है वन अपॉन एफ वाले नॉट टाइम्स है, किसका? ऑफ टोटल चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज का, यानी कि इस सरफेस से जितना भी चार्ज गिरा होगा उसका वन अपॉन एफ वाले नॉट टाइम होता है। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है आपको दिमाग में समझा लीजिए, अपने फील्ड कर लीजिए कि आपके पास एक सरफेस है और उस सरफेस के अंदर क्या है, बहुत ढेर सारे चार्ज रखे हैं, तो कुछ फील्ड लाइन बाहर निकलेगी कुछ फील्ड लाइन अंदर जाएंगे, तो ये तो पता नहीं चल रहा है कितना जा रही है कितना आ रही है, लेकिन आपके पता चल सकता है कि नेट फ्लक्स कितना है। तो जो नेट फ्लक्स होता है उस सरफेस से क्लोज, उस सरफेस से लिंक जितने भी नेट फ्लक्स होंगे वो वन अपॉन एफ वाले नॉट टाइम्स होता है, किसका? टोटल चार्ज का, यानी कि सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज है उनको एड कर लो, उनको वन अपॉन एफ वाले नॉट से मल्टीप्लाई करा दो, तो वही क्या होता है गॉस थ्योरम, वही होता है आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पर एड हुआ है, लर्न कर सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील करो बस, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू एनी क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू एनी क्लोज सरफेस इज वन अपॉन एफ वाले नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, यानी कि इस सरफेस जितना भी चार्ज घिरा होगा उसे कितना टाइम होगा वन अपॉन एफ वाले नॉट टाइम होता है। अच्छा तो एयर में था, अगर मीडियम में हो जाए तो मीडियम में होने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल। अगर आपका कोई मीडियम हो गया एयर को छोड़ करके, ठीक है, अगर आपका कोई मीडियम हो गया एयर को छोड़ करके जहां पर जाएगा कैपिटल के एफ वाले नॉट, तो आप समझ सकते हैं मीडियम के लिए क्यों हो जाता है, ठीक है, तुम्हारा आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू एनी क्लोज सरफेस इज वन अपॉन एफ वाले नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस, यानी कि सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा वो जो फ्लक्स होता है नेट वाला वो वन अपॉन एफ वाले नॉट गुना होता है, किसका? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज किससे इंक्लोज हुआ है, किससे बंधा हुआ है, क्लोज सरफेस से, ठीक है। तो इट इज व्हाट गॉस थ्योरम, सो लेट्स प्रूव, इसको हम प्रूव करके देखते हैं कि हाँ ये बात सही है कि नहीं है, ये बात हमारा सही है कि नहीं है, तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। हम बात करते हैं प्रूफ की, प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी से ना कूलम्स लॉ का भी वेरिफिकेशन होगा, कूलम्स लॉ का भी वेरिफिकेशन होगा, तो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द एंड, बिल्कुल आप बने रहिए आराम से देखते रहिए, बढ़िया मजा आ जाएगा, ठीक है, टेंशन के साथ नहीं पढ़ना आपको। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, जो फिगर बनाया था उसका परपेच समझ लेते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस स्पेस में मैं एक पॉइंट ओ सपोज कर लिया, एक पॉइंट क्या सपोज कर लिया, ओ, जो स्पेस है इस स्पेस में कहीं भी एक पॉइंट क्या सपोज कर लो ओ, और ओ पे क्या करिए एक चार्ज लोकेट कर दीजिए क्यू, एक चार्ज क्या लोकेट कर दिया क्यू। अब यहां से आर डिस्टेंस पर सरफेस स्पेस में कहीं पर भी जाओ चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या ले लो पी। अच्छा ये प्लस चार्ज है तो यहां पे इंटेंसिटी पैदा करेगा, क्या करेगा ये इंटेंसिटी पैदा करेगा, तो मान लेते यहां पर जो इंटेंसिटी है वो ई है, इंटेंसिटी कितना है बच्चों ई है, समझ में आई बात इतनी, बहुत ध्यान समझिएगा। हमने क्या किया स्पेस के अंदर एक पॉइंट ओ पे किसको लोकेट कर दिया चार्ज क्यू को, एक पॉइंट ओ सपोज कर लिया और उस पर किसको रख दिया चार्ज क्यू को, यहां से आर डिस्टेंस पर ओ हो गया, यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या हो गया पी, तो पी पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई है, बाहर होगा अंदर नहीं हो सकता आपको पता है, मैंने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस उसे कहां होता है बाहर होता है, ठीक है। अच्छा मैंने क्या कर दिया, आपको सरफेस सपोज करना है गॉसियन सरफेस जिसको बोलते हैं, बहुत याद रखना मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं गॉसियन सरफेस, आपको भी बताएंगे लेक्चर के बाद। गॉसियन सरफेस तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी जो एप्लीकेशन है ना एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम उसमें क्या है गॉसियन सरफेस बार बार आएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको बहुत ध्यान समझना पड़ेगा गॉसियन सरफेस क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। भी आप सपोज करिए गॉसियन सरफेस एक सरफेस होता है इमेजिनरी सरफेस होता है, तो पॉइंट पी से मैंने क्या कर दिया आर रेडियस का, पॉइंट पी से आर रेडियस का और चार सौ घेरे हुए एक गॉसियन सर्फेस ड्रा कर देते हैं, उसकी रेडियस कितनी है आर है, तो कंसिडर अ गॉसियन सर्फेस, कंसिडर अ
गॉसियन सरफेस अराउंड टू चार्ज चार्ज के चारों ओर, ठीक है। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अभी सरफेस हो गया आपका ये पूरा, यहां पर मैं थोड़ा सा एरिया ले रहा हूं, स्मॉल सरफेस एरिया। और करता क्या है, यहां पे सेंटर पे बनाएगा सॉलिड एंगल, आपकी बात पता है, यहां पे क्या बनाएगा सॉलिड एंगल, वो क्या बनाया डी ओमेगा। और ये सरफेस एरिया कितना डी ए है, उसका डायरेक्शन क्या हो गया बाहर। देखिए यहां पे ई और ए के साथ मैंने एंगल सपोज किया थीटा, यानी कि बच्चों ध्यान दीजिए, अगर यहां पे स्फीयर सपोज करेंगे तो स्फीयर में क्या होता है ई और डी एक ही तरफ होता है, बट यहां पे एंगल बना रहा है डी ए के बीच एंगल बनाया जा रहा है कितना थीटा। इतनी बात समझ में आया होगा, फिर से समझाते हैं फिगर को। सेंटर हो गया, चार्ज क्या हो गया क्यू हो गया, गार्डन सर्फेस सपोज कर लिया चार्ज को घेरे हुए, ठीक है। और पॉइंट पी पे इंटेंसिटी कितनी है ई है बाहर की तरफ, यहां पर माने इस पॉइंट पी के अराउंड में यहां चारों तरफ एक छोटा सा एरिया लिया डी ए, और डी ए कहां गया बाहर, तो यहां पे कितना एंगल बना रहा है डी ओमेगा, डी ओमेगा, ओके। तो अब यहां पे देखो क्या होगा, इंप्लाइज दैट, अब यहां पे बातें सब शुरू है, यहां पे क्या बातें सब शुरू है, तो चलो करते हैं इसके बाद। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू चार्ज, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट चार्ज की वजह से, आपको पता है इक्वल टू वन अपॉन फोर पे एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कि आपको क्या करिए इतना पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर मैं बताता हूं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना आया था वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर। अच्छा यहां पर जो मैंने अभी बनाया था इसमें यहां पर डीए एरिया लिया गया था ना, कितने एरिया गया था डी एरिया, तो अब इससे कुछ ना कुछ फील्ड लाइन तो बाहर निकलेगा ही, ये तो आपको पता ही है, इससे कुछ ना कुछ तो फील्ड लाइन निकलेगा, वही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप सपोज कर लो कि डी ए से डी फाइव इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू डी एरिया, थोड़ा सा एरिया है तो फ्लक्स भी कैसा हो जाएगा थोड़ा सा। देखो डी मीन्स क्या होता है स्मॉल होता है ना, तो छोटा क्षेत्रफल स्मॉल एरिया स्मॉल फ्लक्स एडीए कॉस थीटा, ये कितना है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर डीए कॉस थीटा, सो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बच्चे क्या होता है डी ओमेगा होता है, आपके पास पता ही है डी ओमेगा, इसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है। तो अच्छे थोड़े एरिया से थोड़ा सा फ्लक्स आया है ना, तो अगर आपको पूरा चीज पूरा करने के लिए मैं क्या बताया था उस दिन, पूरे के लिए क्या करना पड़ता है इसका क्लोज इंटीग्रल में, यानी कि इस तरीके से सिंपल बनाना पड़ता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाइव का क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो डी ओमेगा, ये तो आपका डी हट जाएगा फाइव आ जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों फोर पाई के, फोर पाई कैंसिल, सो फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, आया कि नहीं है
तो लेकिन अगर सरफेस के अंदर क्यू वन चार्ज हो, क्यू टू चार्ज हो, क्यू थ्री एंड सो वन, यहाँ पे तो एक चार्ज है, तो यहाँ पे जो फार्मूला बन के आएगा फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को गेट कर लो, थोड़े से एरिया सरफ्लक्स निकाल दो, ये फार्मूला लगा करके ए की वैल्यू पुट करके डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा हो गया। और इसका मतलब देखो, आप ही आप दिमाग में सेव करो ये बात, ये बात अभी दिमाग में आप रख लो कि थोड़े का अगर आया है उसका क्लोज इंटीग्रल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे का आ जाएगा कंप्लीट। तो मैंने क्या कर दिया, इसका क्लोज इंटीग्रल लगा दिया तो फाइव हो गया, डी हट गया, और इसका मैंने क्या होता है फोर पाई क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, अभी देखो एक ही चार्ज था तो क्यू आया है, लेकिन अगर और भी चार्ज है, क्यू वन है, क्यू टू है, क्यू थ्री है, क्यू फोर है, अगर ऐसे और भी चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहां पे समेशन क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस एंड सो प्लस क्यू। बच्चों ये था गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। तो अब हम गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, सो प्लीज नोट डाउन इट। क्वेश्चन फर्स्ट स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यंग इलेक्ट्रिक डायपोल हैज केप्ट इनसाइड द क्यूब, इनसाइड द क्यूब फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज केप्ट इनसाइड द क्यूब फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक क्यूब है और क्यूब के अंदर डायपोल रखा गया, यंग डायपोल। तो अच्छा ये बताओ, पहले हमें दिमाग ही लगाओ कि एक डायपोल है, एक डायपोल के पास नेट चार्ज कितना होता है। तो अगर एक डायपोल का नेट चार्ज निकालेंगे तो पता चलता है कि डायपोल के पास नेगेटिव भी होता है उतना उतना पॉजिटिव भी होता है, तो माइनस क्यू प्लस प्लस क्यू कितना हो गया जीरो। तो यंग डायपोल पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, एक डायपोल पे नेट चार्ज जीरो है तो यंग डायपोल पे कितना हो जाएगा जीरो, यानी कि टोटल चार्ज आपका कितना आ गया जीरो। तो अगर गॉस थ्योरम को लगाए दोगे हम तो यहां पे आंसर का कितना आ जाएगा जीरो अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि फाइव कर्ड क्या आ गया स्टूडेंट जीरो आ गया, फाइव कर्ड क्या आ गया जीरो आ गया। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट था कि अगर किसी भी क्यूब के अंदर डायपोल रखा जाए तो फ्लक्स कोई भी पास नहीं करता, फाइव कर्ड क्या हो जाएगा जीरो। तो जल्दी से टिपो।